मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल इन्फॉर्मेशन एफी। जी व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज भी हम हाज़िर हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो है, अगर आपकी सेल फोन चोरी हो जाती है तो उससे वापस कैसे लाया जाए। जी भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको करना होगा एक काम, मेरे चैनल को करना होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। जो आज का टॉपिक था वो था, चोरी हो जाए हमारी सेल फोन डिवाइस तो उसको वापस कैसे लाया जाए। सो सबसे पहले मैं इसकी एक बात बता दूं आपको कि अगर आपका सेल फोन चोरी हो जाता है तो फिर आपको उसको वापस लाने का यही तरीका है। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जिस कंपनी की आपके पास सिम कार्ड है, उस सिम कार्ड वाले के पास के भाई हमारी सिम को ब्लॉक कर दें क्योंकि हमारा सेल फोन हो गया है चोरी, ताकि आपकी सिम जो है वो मिसयूज़ ना हो जाए कहीं। उसके जैसे ही सिम आपकी ब्लॉक हो जाए, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा मोबाइल सेल फोन का जो डब्बा होता है, जो पैकेट होता है, वो लेकर आपको जाना पड़ेगा आपके करीबी पुलिस स्टेशन के पास। पुलिस स्टेशन जाते ही आपको क्या करना होगा, आपको पुलिस अफसर से मिलना होगा और उसे कहना होगा कि भाई हमारी सेल फोन डिवाइस हो गई है चोरी, सो इसको इसकी हमें IME नंबर जो है वो ट्रेस करवाना है, ट्रेस मशीन पर लगवाना है। सो अफसर जो पुलिस अफसर है, जो उसमें ऑपरेटर बैठे होते हैं, तो वो ऑपरेटर क्या करेगा, आपकी सेल फोन डिवाइस को की जो IME नंबर है वो डाल मशीन में। सो जैसे ही आपके सेल फोन में सिम डाली जाएगी तो वो ट्रेस हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो किस्म के चोर होते हैं, एक होता है शातिर चोर। अगर वो शातिर चोर होगा जिसने आपकी सेल फोन डिवाइस को किया होगा चोरी, तो वो क्या करेगा, वो करेगा आपके सेल फोन डिवाइस की IME नंबर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से वो चेंज करवा देगा, उससे आपका सेल फोन जो है मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर वो होगा कोई अनाड़ी चोर, तो वो क्या करेगा, सेल फोन हाथ में आते ही अपनी सिम कार्ड उसमें डाल देगा और चलाना शुरू कर देगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, मार्केट जाएगा और कहेगा भाई हमें ये सेल फोन डिवाइस करनी है सेल। सो दुकानदार क्या करेगा कि दुकानदार आजकल अमूमन बगैर डब्बे के जो सेट लेते हैं उसके साथ NIC कार्ड ज़रूर लेते हैं। अगर वो अपनी NIC की कॉपी दे देता है और सेट ट्रेस मशीन में ट्रेस हो जाता है, तो पुलिस जो है वो आएगा, अफसर जो है वो जाएगा शॉपकीपर के पास और कहेगा भाई ये सेल फोन डिवाइस आपकी ट्रेस हुई है और आपने कहाँ से ली है, किससे ली है, हमें वो NIC की कॉपी दे दें। तो फिर वो शॉपकीपर क्या करेगा, वो NIC की कॉपी पुलिस अफसर को दे देगा कि कहेगा भाई इस बंदे से मैंने जो है वो सेल फोन ली है। तो वो पुलिस अफसर उस बंदे के पास जाएगा और कहेगा भाई तुमने ये सेल फोन किया हुआ है चोरी। सो वो चोरी तो उसकी पकड़ी जाएगी, फिर वो सेल फोन भी आपको मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा वो चोर भी जिसने आपकी सेल फोन डिवाइस को किया था चोरी। तो इसी तरीके से आपको आपकी सेल फोन डिवाइस वापस मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना होगा, आपको सिम कार्ड जो है उसकी डुप्लीकेट निकलवानी होगी, वो भी नहीं मिल जाएगी, तो फिर आपको वो अपनी आप फिर से अपनी सेल फोन डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने होस्ट इरफान अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।